पीली चिड़िया बहुत मेहनती और तेज दिमाग की व्यापार करने वाली चिड़िया थी। वो गांव में बहुत से काम को देखने के बाद मोबाइल फोन की दुकान खोलती है। पीलू बहुत वैरायटी के मोबाइल फोन्स को बेचा करती थी। एक दिन हरिया कहता है, बेटी मेरे पास नया फोन खरीदने के पैसे नहीं है, ये पुराना फोन ही ठीक कर दो, ये मैंने 5 साल पहले खरीदा था। तो पीलू कहती है, लेकिन काका मैं फोन ठीक नहीं करती हूँ, मैं तो फोन बेचती हूँ। बेटी मैं फोन ठीक करवाने के लिए कालू की दुकान में गया था, पर वो बहुत बदमाश है, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। पीलू हरिया का फोन ठीक कर देती है और सोचती है कि रिपेयरिंग का भी काम शुरू कर दे, इससे और भी कमाई होगी। ये तो अच्छा हुआ, अब मैं फोन बेच भी रही हूँ और ठीक भी कर रही हूँ, अब अच्छी कमाई हो रही है। लेकिन कालू इस बात से बहुत जलता था। वो पीलू की दुकान चलती देखकर बहुत गुस्से में था। अरे कोई मेरी दुकान में क्यों नहीं आता है, इस पीलू की मीठी मीठी बातों से सब उसी के पास जाते हैं, मैं भी तो एक से एक फोन बेचता हूँ, आज इसकी तबीयत ठीक करता हूँ। रात में कालू कुछ बदमाशों को पैसे देता है। ये लो पैसे और उस पिद्दी पीलू की दुकान में ऐसी तोड़फोड़ मचा दो कि वो कभी भी दुकान नहीं खोल पाए। फिर वो बदमाश पीलू की दुकान को तोड़फोड़ देते हैं। अगले दिन पीलू अपनी दुकान पहुँचती है। हे भगवान, ये क्या हो गया, मैं तो बर्बाद हो गई, पूरी दुकान ही उजाड़ दी है, अब मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी इस नुकसान को भरपाई के लिए। मैंने बैंक से लोन लिया था, दूसरे व्यापारियों से लोन लिया था, अब मेरा क्या होगा। पीलू को रोता हुआ देखकर हरिया काका उसके पास आता है और कहता है, पीलू बेटी तुम निराश मत हो, हिम्मत रखो, अगर तुम बिना जानकारी के फोन रिपेयर कर सकती हो तो इस मुसीबत से भी बाहर आ सकती हो, कभी कभी कुछ अच्छा होने के लिए ही बुरा होता है। इतने फोन को ठीक करने के लिए मशीन लगेगी काका, मैं कहाँ से लाऊंगी। मेरे साथ चलो। पीलू को हरिया अपने घर लेकर जाता है। ये देखो बेटी, मैं पहले मैकेनिक था लेकिन मेरी आंख खराब होने की वजह से मैं काम करना बंद कर दिया, इन पुरानी मशीनों के साथ तुम कुछ करो। फिर एक हफ्ते की मेहनत के बाद पीलू एक मशीन बनाने में कामयाब हो जाती है और अपने टेस्टिंग में कुछ टूटे हुए मोबाइल को ठीक करने में कामयाब होती है। वाह बेटी, तू बहुत ही होशियार है। बहुत धन्यवाद काका, अब मेरे नुकसान को भरपाई होगी और अब मैं एक नया कारोबार शुरू करूंगी। इस तरह से पीलू मोबाइल रिपेयरिंग के साथ गरीबों के लिए मोबाइल बनाने का कारोबार भी शुरू कर देती है। पीलू का बहुत जल्द बहुत नाम हो जाता है और लोग उसके इंटरव्यू लेने के लिए आगे आते हैं। हरिया काका आपका बहुत धन्यवाद, अब मैं अपने कारोबार में बहुत तरक्की कर रही हूँ। बेटी ये तेरी मेहनत का नतीजा है। और फिर पीलू की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हो गई। लालजी कालू को जंगल छोड़कर जाने की नौबत आ गई। पीलू अब हंसी खुशी रहने लगी। इस पीलू को हराने का तरीका सोचना होगा। अरे वाह कालू भाई, क्या सोडा है। कालू इतनी रात में गहरे जंगल में कहाँ जा रहा है। भिलाईपुर के गांव में पीलू सोडा बेचा करती थी। पीलू का सोडा बहुत बिकता था। पीलू घरेलू तरीके से रंग बनाया करती थी और बहुत अच्छे से अलग अलग फ्लेवर बनाकर बेचा करती थी। ये लोगों को बहुत पसंद आता था। उसके दुकान के सामने कालू की भी सोडा की दुकान थी, लेकिन वो बहुत ही आलसी था और पीलू की तरक्की से जलता था। सोडा ले लो सोडा, रंग बिरंगे अलग अलग फ्लेवर्स के सोडा, ऐसे फ्लेवर्स आपको पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलेंगे। सोडा ले लो सोडा, हाजमा ठीक करने वाला सोडा। तो टिल्लू कहता है, कालू भाई आजकल लोग शौक के लिए सोडा पीते हैं, हाजमा ठीक करने के लिए नहीं, इसलिए हम पीलू की दुकान में जाते हैं, वहाँ एक से एक फ्लेवर के सोडे मिलते हैं। ये सुनकर कालू बहुत गुस्सा करता है। टिल्लू पीलू की दुकान जाकर पूरे परिवार के लिए सोडा ले लेता है। ये लो टिल्लू भैया, फैमिली पैक सोडा,
₹500 हुए। कालू सोच में पड़ जाता है। इस पीलू को हराने का तरीका सोचना होगा, नहीं तो मुझे ये गरीब कर देगी और मुझे जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। उस रात कालू जाबाज चील के पास जाता है और जंगल से एक पाउडर लेकर आता है, जिसको वो अपने सोडा में मिलाता है। अगले दिन कालू मिलावटी सोडा बेचने लगता है। सोडा ले लो, इंटरनेशनल सोडा, एक बार पियोगे तो बार बार पियोगे। सोडा ले लो, इंटरनेशनल सोडा, एक बार पियोगे तो बार बार पियोगे। अरे कालू भैया, तुम कहाँ से इंटरनेशनल सोडा ले आए? वो मेरे जीजाजी ने भेजे है अमेरिका से। एक बार पी के तो देखो ठिल्लू भाई, बार बार पियोगे। ठीक है, एक दो, नहीं अच्छा लगा तो पैसे नहीं दूंगा। कालू टिल्लू को सोडा देता है और टिल्लू एक के बाद एक 5 सोडा पी जाता है। अरे वाह कालू भाई, क्या सोडा है! इसके सामने तो पीलू का सोडा एकदम बकवास है। मैं अपने दोस्तों को भी यहाँ लाता हूँ। और जल्दी ही पीलू की दुकान खाली हो जाती है। कोई भी ग्राहक उसके पास नहीं जाता है और सिर्फ कालू के पास ही सब सोडा पीते हैं। पीलू, तुम जंगल छोड़कर अफ्रीका चली जाओ, वही तुम्हारे लिए सही रहेगा। मैं तो बर्बाद ही हो गई हूँ। ये अचानक से कालू का कौन सा जीजा जी पैदा हो गया अमेरिका में? उस रात पीलू अपनी दुकान बंद करके जा रही थी। वो बहुत उदास थी और जंगल छोड़ने के बारे में सोच रही थी। तभी उसे कालू दूर जंगल में उड़ता हुआ दिखता है। अरे कालू, इतनी रात में गहरे जंगल में कहाँ जा रहा है? इसका पीछा करती हूँ। और पीलू जाबाज के साथ उसके सौदे को होता हुआ देख लेती है। पीलू अपने मोबाइल में सब रिकॉर्ड कर लेती है और फिर कालू को वो पाउडर घर में सोडा में मिलाते हुए भी रिकॉर्ड कर लेती है। पीलू तुरंत ही हरिया इंस्पेक्टर के पास जाती है। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, कालू सोडा में नशा मिला रहा है। हरिया वो वीडियो देखता है और बहुत गुस्सा करता है। मैं इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। फिर हरिया सभी चिड़ियों को लेकर कालू के घर जाता है। कालू, तुम मुझे नशा वाला सोडा बेच रहे थे, अब हम सब तुम्हारा नशा उतारेंगे, ऐसे टिल्लू कहता है। कालू की बहुत पिटाई होती है और फिर उसे जेल हो जाता है। इस तरह से पीलू अपनी ईमानदारी के कारण जंगल में अकेली सोडा बेचने वाली रह जाती है और अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगती है। गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। जबलपुर गांव के जंगल में बबली कवी एक ठेले में गन्ने का जूस बेचा करती थी। उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलती थी और गर्मी में तो ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। बबली सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी। ऐसे ही बहुत समय तक काम करते हुए उसने बहुत पैसे कमाए और फिर कालू कौवे से शादी कर ली। अपनी सफलता के कारण उसको बहुत घमंड हो गया था और वो गरीब ग्राहकों से बदतमीजी से बात करती थी। बबली दीदी, मुझे 2 ग्लास ताजा गन्ने का जूस देना, मैं आपको पैसा कल दे दूंगा। अगर कल पैसे देने हैं तो कल ही जूस पीना। तुम गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। अरे बबली दीदी, आप ऐसे कैसे बात कर रही है? मैं तो आपका रेगुलर ग्राहक हूँ। देखो बंटी भैया, पैसे रखो और जूस पियो। और हाँ, आज से गर्मी शुरू हो रही है ना, आज से 20 रुपया ग्लास नहीं बल्कि 40 रुपया ग्लास गन्ने का जूस मिलेगा। इस तरह से बबली बहुत घमंड हो चुकी थी। गरीब ग्राहकों से पैसे रखवाती थी, फिर गन्ने का जूस देती थी। कोई गन्ने का जूस नहीं बेचा था जिसकी बबली फायदा उठा रही थी। लेकिन अगले ही दिन बबली की दुकान के सामने पीलू चिड़िया अपना गन्ने का जूस का ठेला खोलती है। उसकी दुकान चलती देखकर बबली उसे जलने लगती है। पीलू चिड़िया, तुम मेरे ठेले के सामने गन्ने का जूस क्यों बेच रही हो? मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी। अरे सुंदरी दीदी, गुस्सा मत करो, जंगल में इतने ग्राहक है कि हम दोनों की दुकान अच्छे से चल सकती है। पीलू की बातें सुनकर बबली चुप हो जाती है। पीलू अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करती थी, जबकि बबली अभी भी बहुत घमंड से रहती थी। जल्द ही पीलू की दुकान में भीड़ लगने लगती है, क्योंकि वो गन्ने का जूस को सिर्फ 15 रुपए में बेचा करती थी। ये पीलू तो बहुत ही चालाक निकली, सस्ते दामों में जूस बेच रही है।
इसकी दुकान बंद करवा दूंगी। मैं भी दाम कम कर देती हूँ, लेकिन उतने पैसों में मैं गन्ने का जूस नहीं बेचूंगी, बल्कि केमिकल वाला नकली मिलावटी जूस बेचूंगी। ग्लास का जंबो साइज बड़ा देखकर जंगल वाले मेरे ही पास आएंगे और पीलू की दुकान बंद हो जाएगी। फिर ऐसा सोचकर बबली अपने घर में केमिकल वाला जूस तैयार करती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। जंबो गन्ने का जूस ले लो, जंबो गन्ने का जूस। इतने बड़े गन्ने का जूस कभी नहीं देखे होंगे। जंगल के पक्षी बबली की आवाज सुनकर उसकी दुकान की तरफ भागते हैं और ग्लास का साइज देखकर लालच में आ जाते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में बबली के जंबो गन्ने का जूस बिक जाता है। देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा, मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। उसी दिन से पीलू की दुकान में ग्राहकों की कमी होने लगती है और अगले दिन से तो कोई भी उसकी दुकान नहीं जाता है। थोड़े ही दिनों में पीलू को दुकान बंद करने की नौबत आ जाती है। तभी एक दिन डॉक्टर हरिया उसकी दुकान पहुंचते हैं। पीलू मुझे एक ग्लास जूस देना, बबली की दुकान में भीड़ है, मुझे लेट हो रहा है, नहीं तो मैं उसी की दुकान में जाता। ये लीजिए डॉक्टर सर। अरे वाह, ये बहुत ताज़ा है। ऐसा करो, तुम मेरे हॉस्पिटल में रोज 20 ग्लास भेज दिया करो मरीज के लिए। पीलू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और हरिया के मरीज उसके गन्ने का ताज़ा जूस पीकर ठीक हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ बबली की दुकान से गन्ने का जूस पीने वाले पक्षी आते हैं और उल्टियाँ करने लगते हैं। अरे ये क्या, इन्हें तो उल्टियाँ हो रही है। उनका टेस्ट होता है और उनसे हरिया पूछता है कि वो लोग क्या खाए पिए थे। तब वो बताते हैं कि रोज वो बबली के यहाँ जूस पीते हैं। बबली, तुमने इस गन्ने की जूस में क्या मिलाया है? तुम्हें पता है सबको किडनी में स्टोन्स हो गए हैं, इन सब की तबीयत खराब हो गई है तुम्हारी दुकान का गन्ने का जूस पीकर। अरे वो ये लोग पीलू की दुकान का जूस पिया करते थे। फिर हरिया बताता है कि पीलू की दुकान के जूस से उसके बीमार मरीज ठीक हो गए हैं। इसके पहले बबली कुछ बोल पाती, सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं। बबली, तुम हमसे इतना सारा पैसा लेती हो गन्ने के जूस का, लेकिन ये जहर बेच रही हो। वो पीलू कम दाम में भी हमें स्वादिष्ट और सेहतमंद गन्ने का जूस पिलाती है, अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा। ऐसा कहकर सभी पक्षी बबली को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पीलू पूरी ईमानदारी के साथ स्वादिष्ट गन्ने का जूस बेचना जारी रखती है और जंगल वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब जंगल में बस उसी की गन्ने का जूस का दुकान थी। पीलू और बाकी लोग अब हंसी खुशी रहने लगते हैं। गोवापुर गांव के जंगल में पीलू अपने पति बबलू के साथ रहती थी। दोनों पति पत्नी हनुमान जी के भक्ति करते थे। पीलू हर दिन हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाती थी और बबलू उन्हीं के नाम का दिन भर जाप करता रहता था। पीलू, मेरा सपना है कि हम लोग भी कभी हनुमान जी के नाम से गरीबों को खाना खिलाए। जी, आपके ख्याल तो बहुत अच्छे हैं। जय हनुमान जी की। जब मर्जी होगी तब वो हमारे से ऐसा इंतजाम करा देंगे। हमें तो बस उनका नाम जपते रहना है जिससे ऐसा दिन जल्दी आए। बबलू लकड़ी के फर्नीचर बनाता था और छोटे मोटे रिपेयरिंग का काम भी करता था। पीलू घर संभालती थी। एक दिन, बबलू तुम बहुत मजबूत फर्नीचर बनाते हो जो देखने में भी अच्छे होते हैं, लेकिन सुना है तुम्हारी कमाई ज्यादा नहीं होती है, तो क्या सोचे हो आगे के लिए? हरिया भाई, कमाई करने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन आपको तो पता है कोई भी अकेला काम करेगा तो उसकी कमाई कम ही होगी। मेरी कोई फैक्ट्री तो है नहीं ना। हाँ हाँ, आखिर अमीर लोग ही फैक्ट्री का सपना देख सकते हैं। हम गरीब लोगों के पास हमारे और परिवार के अलावा कोई नहीं होता है। तो कड़क सेठ कहते हैं, बबलू मेरा ऑर्डर पूरा कर दिया क्या? जी कड़क सेठ जी, मैं आपका ऑर्डर पूरा कर दिया हूँ। ये लीजिए आपके फर्नीचर। ठीक है, बिल भिजवा देना और इसके पैसे अगले महीने ले लेना। लेकिन सेठ जी, आपने तो मुझे एडवांस भी नहीं दिए हैं। ऐसे कैसे मैं इतने दिन बिना पेमेंट के रुक सकता हूँ? अरे मैं कोई भाग नहीं जा रहा हूँ, सेठ हूँ, दे दूंगा पैसे। रात में बबलू घर आता है। बबलू जी,
क्या हुआ, आज आप उदास लग रहे हैं? आज कड़क सेठ से पैसे मिलने वाले थे पीलू, लेकिन उसने पेमेंट नहीं किया। अभी मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहाँ से मुनाफा होगा, क्योंकि ग्राहक लोग टाइम पर पेमेंट ही नहीं देते हैं। उनके घर के लिए फर्नीचर बनाता हूँ, अपने घर के लिए नहीं। हनुमान जी के लिए सेवा करनी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं जी, हनुमान जी सब देख रहे हैं, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाने देंगे। पीलू, तुम्हारे जैसी पत्नी मिलना मुश्किल है, हनुमान जी की बहुत दया है हम पर। चलो उनकी शाम की आरती करते हैं। जय हनुमान जी। एक दिन कड़क सेठ के घर जब बबलू पैसे लेने के लिए पहुंचता है, वहां उसे कालू मिलता है। बबलू, अभी तुम्हारा पेमेंट नहीं हो पाएगा। कड़क सेठ 5 महीनों के लिए बाहर गए हैं, उसके बाद देखेंगे। ये सुनकर बबलू दुखी होकर वापस चला जाता है। इसके बाद वो घर आकर पीलू से सब बताता है। ये अमीर लोग हम जैसे गरीबों का पैसा लूट लूट कर ही अमीर होते हैं। जब तक इनकी तरफ हम उम्मीद से देखते रहेंगे, हमें धोखा ही होता है। हनुमान जी से प्रार्थना करके हम अपनी फर्नीचर की फैक्ट्री लगा लेते हैं। पीलू, फैक्ट्री बनाने में कितना खर्चा आता है पता है? मैं तो कहती हूँ सब छोड़कर हनुमान जी से ही हम पूछ लेते हैं, वो ही कोई रास्ता सुझाएंगे। हाँ, हमारे बस की नहीं है ये मुसीबत। अगली सुबह बबलू और पीलू हनुमान जी से लगातार प्रार्थना करते रहते हैं और उन्हीं की भक्ति से हनुमान जी प्रकट होते हैं। भक्त, आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। हनुमान जी आपकी जय हो। जय हो हनुमान जी की। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली, आप बहुत दयालु हैं। अब हम पर कृपा करिए प्रभु, हमें रास्ता दिखाइए। मैं तुम्हें बांस से नाव बनाना सिखा सकता हूँ, तुम्हें लकड़ी का काम तो आता ही है। बांस की नाव तुम गरीबों को बेच सकोगे, साथ ही उस पर मोटर लगा दोगे तो बांस का मोटर नाव बन जाएगा। आपकी दया अपरंपार है हनुमान जी। हमारी मन में आपके भक्तों के लिए भंडारा करने की कामना है, आप आशीर्वाद दीजिए प्रभु। सब अच्छा होगा पीलू। फिर हनुमान जी बबलू को जंगल भेजकर बांस मनवा लेते हैं। बबलू बांस काट कर लाता है और हनुमान जी के कहे अनुसार उन बांस को आकार देने लगता है। फिर वो और पीलू अलग अलग साइज के टुकड़ों को जोड़ते हैं और जल्द ही एक बांस का नाव तैयार कर लेते हैं। हनुमान जी, आपकी दया से ये बांस की नाव बनकर तैयार हो गई है, ये आपकी दया के कारण ही बन पाई है प्रभु। अब तुम लोग इसका व्यापार करो। जय श्री राम। फिर हनुमान जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। हनुमान जी ने जैसा कहा वैसा ही करते हैं। बांस की नाव को गरीबों को बेचते हैं और मोटर बांस की नाव बनाकर भी बेचते हैं। सही कह रही हो पीलू, अब मैं ऐसा ही करता हूँ। बबलू की बांस के नाव को देखने के लिए पूरे जंगल के लोग आते हैं। वाह वाह, ऐसा बांस की नाव तो मैंने कभी नहीं देखा। बबलू, तुम बहुत ही होनहार निकले। ऐसा करो, मेरा ऑर्डर लिख लो, मैं तो इन्हें एक्सपोर्ट करूँगा। वाह, बांस की नाव, कोई इसे बना भी सकता है, ये मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे 3 बांस की नाव बना कर देना बबलू। सब हनुमान जी की कृपा है। और ऐसे ही बबलू बहुत मेहनत करके लोगों के लिए उनकी बांस की नाव तैयार करने लगता है और बहुत मुनाफा कमाता है। बबलू जी, अब तो हमारी पूरी जिंदगी ही बदल गई है। चलिए अब हम हनुमान जी का गरीबों के लिए भंडारा करते हैं। जय हनुमान जी। हाँ पीलू, अब देरी नहीं करते। जय हनुमान जी। और फिर इस तरह से बबलू और पीलू अपनी मेहनत से बहुत पैसे कमाने लगते हैं और दोनों हनुमान जी की भक्ति करते हुए खुशी खुशी रहने लगते हैं। लोगों की मन की बात जानना बहुत कठिन होता है। अब बोले ना असली बात। पीलू के कहने पर कड़क वैसा ही करता है और चोर पूरा सच उगल देता है। भोजपुर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया एक साधु के पास जाती है। साधु महाराज जी, मुझे कोई तरीका बताइए जिससे मैं लोगों के मन की बात जान सकूं।
लोगों के मन की बात जानना बहुत कठिन होता है बेटी, लेकिन तुम्हें मैं एक सैनिटाइजर देता हूँ, तुम इससे जिस पर भी छिड़काओगी वो सच बोल पड़ेगा। अभी टीचर्स डे आने वाला है, मैं इससे बच्चों के मन की बात जान सकूंगी और उन्हें एक बेहतर स्टूडेंट बना दूंगी। ठीक है बेटी। अगले दिन फिर पीलू स्कूल जाती है और क्लासरूम में आती है। बंटी, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया है? ओ ना मैडम जी, टीचर्स डे की तैयारी कर रहा था तो टाइम कैसे निकला पता ही नहीं चला। पीलू उस पर साधु का दिया हुआ सैनिटाइजर छिड़का देती है और वो सच बोलने लगता है। मैडम जी, मैं सो रहा था, मोबाइल में गेम खेल रहा था, होमवर्क करने का मन नहीं था और टीचर्स डे कब है मुझे पता ही नहीं। अब बोले ना असली बात। बंटी को पनिशमेंट मिलती है। कालू ये सब देखकर सोचता है, मैं ये सैनिटाइजर चुरा लूंगा। कालू पीलू के बैग से चुपचाप सैनिटाइजर चुरा लेता है, फिर वो मजे लेने लगता है। वाह भाई साहब, आपके बेटे को तो बहुत अच्छी नौकरी लगी है। कालू उस पर सैनिटाइजर छिड़का देता है। मेरा बेटा आपके बेटे से ज्यादा टैलेंटेड है, आपका बेटा रिश्वत देकर नौकरी में लगा है। अरे क्या बकवास कर रहे हो? और कालू हंसता है। शाम में कालू पीलू और उसके पति जाबाज के घर के पास जाते हैं। क्यों जाबाज जी, आज भी आप घर लेट आए हो, कहाँ थे? वह एक दोस्त से मिलने अस्पताल गया था। कालू उस पर सैनिटाइजर छिड़का देता है। अरे मैं कोई अस्पताल नहीं गया था, तुम टीचर हो ना तो तुम्हारी डांट से डर लगता है तो थोड़ा झूठ बोल दिया, मैं तो बार में गया था। हाँ, अभी मजा चकाती हूँ तुमको। जाबाज की झाड़ू से पिटाई हो जाती है, ये देखकर कालू बहुत ही खुश होता है। तभी पीलू उससे सैनिटाइजर छीन लेती है और कालू को डांट लगती है। कालू, ये तुम स्टूडेंट्स के भले के लिए था, तुम्हारी मस्ती के लिए नहीं। अब तुम टीचर्स डे में 5 ऐसे लिख कर लाओगे, अगर कोई बहाना बनाए तो याद रखना मेरे पास ये सच उगलने वाला सैनिटाइजर है। जी जी मैडम। ये सुनकर कालू वहाँ से भाग गया। अरे पीलू, ये साधु का दिया सैनिटाइजर इतना असरदार है, ये तुम इससे कड़क की मदद क्यों नहीं करती? सुना है वो एक बहुत बड़े चोर को पकड़ कर लाया है, लेकिन वो पैसा कहाँ छुपाया है ये नहीं बता रहा है। मेरा भाई इंस्पेक्टर कड़क की भी मैं इसी सैनिटाइजर से मदद करती हूँ। फिर पीलू कड़क के पास पुलिस स्टेशन जाती है। कड़क भाई, ये सैनिटाइजर लो और इस चोर पर छिड़का दो। पीलू के कहने पर कड़क वैसा ही करता है और चोर पूरा सच उगल देता है। फिर सभी बच्चे पीलू को टीचर्स डे पर बहुत सम्मान देते हैं। कालू उस पर 5 ऐसे पूरी ईमानदारी से लिख कर लाता है और सरकार भी पीलू को टीचर्स डे के दिन चोर से पैसा निकलवाने के लिए इनाम देती है। इस तरह से पीलू एक अच्छी टीचर होकर सभी स्टूडेंट्स का जीवन सुधारने में कामयाब होती है। बालापुर में टिल्लू चिड़ा एक गरीब नाई था। वो लोगों का हेयर कट करता था और पैसे कमाकर घर चलाता था। टिल्लू अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। उसका बेटा बंटी इस काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, उसे शहर जाकर कोई कारोबार करना था। एक दिन टिल्लू का एक्सीडेंट हो जाता है। वो बंटी को बुलाकर कहता है, बेटा बंटी, हम खानदानी हेयर कट कर रहे हैं, मेरे पिताजी और मैं अपने घर के लिए रोटी इसी काम को करते हुए कमाए हैं, अब तू ही है जो ये बात नहीं समझता, मैं कितने दिन हूँ मुझे पता नहीं, इसलिए मैं तुझे एक चीज देना चाहता हूँ, ये ले, ये है वो कैंची जिसे हम सब कटिंग करते थे, ये रख और काम कर। क्या पिताजी, आपको जायदाद के नाम पर ये कैंची ही मिली थी? पता नहीं आप मुझे कभी समझ पाएंगे कि नहीं, मैं इस काम से नफरत करता हूँ, मैं कभी भी इस कैंची को नहीं इस्तेमाल करूँगा। अरे आप अपने पिताजी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो, जब आपकी आमदनी नहीं थी तब इनकी मेहनत से ही घर का पूरा खर्चा चला है, आप इनसे माफी मांगिए। पिताजी मुझे माफ कर दो,
इसके बाद कुछ दिनों में ही टिल्लू परलोक सिधार जाता है। ये लीजिए पिताजी की कैंची, अब इससे काम शुरू कीजिए। नहीं नहीं, मैं किसी का हेयर कट नहीं करूँगा। तो फिर आप अपने पिताजी को दिया वचन नहीं निभाओगे और घर का खर्च कैसे चलेगा? आप क्या चाहते हैं कि हम सब भूखे ही मर जाएं? अरे तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं काम करने से तो मना नहीं कर रहा हूँ ना। हाँ, तो फिर इस कैंची का इस्तेमाल करो और काम करो। बंटी जबरदस्ती लोगों की हेयर कटिंग शुरू कर देता है, लेकिन उसका मन नहीं लगता था, इस वजह से गड़बड़ हेयर कट करने लगता है। लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं। एक दिन परेशान होकर बंटी जंगल में जा रहा था, तभी उसको साधु दिखते हैं। वो बहुत भूखे होते हैं। बंटी उन्हें कुछ सेब खिला देता है। साधु जी, मेरा काम में मन नहीं लगता, क्या करूं? मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा काम अपने आप हो जाएगा। इसके बाद बंटी अपनी हेयर कटिंग की दुकान में जाता है और लोगों की कटिंग करने के लिए जैसे ही अपने पिताजी की कैंची उठाता है, वो कैंची साधु के आशीर्वाद से अपने आप हेयर कटिंग करने लगती है और जल्दी ही वो बहुत फेमस हो जाता है। वाह जी, आप तो बहुत ही कमाल के काम करने लगे हो, मैंने तो सोचा भी नहीं था। तुम जानती हो पीलू, ये साधु महाराज के आशीर्वाद से हुई है। अब हम ना एक बड़ा घर खरीदेंगे। वाह जी। और बंटी एक बड़ी सी घर ले लेता है। इसके बाद बड़े बड़े हीरो उसके यहाँ हेयर कटिंग करवाने के लिए आने लगते हैं। पीलो, तुमने मुझे आलसी होने से बचा ली। अगर तुम नहीं होती तो मैं अपने पुरखों का हेयर कटिंग का काम नहीं करता। तुम्हारे कारण ही मैं इतनी तरक्की कर पाया हूँ। बड़ों का कहना मानना चाहिए जी, आपने भी वही किया। इस तरह से पीलू और बंटी खुशी खुशी रहने लगे। लोगों की मन की बात जानना बहुत कठिन होता है। अब बोले ना असली बात। पीलू के कहने पर कड़क वैसा ही करता है और चोर पूरा सच उगल देता है। भोजपुर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया एक साधु के पास जाती है। साधु महाराज जी, मुझे कोई तरीका बताइए जिससे मैं लोगों के मन की बात जान सकूं। लोगों की मन की बात जानना बहुत कठिन होता है बेटी, लेकिन तुम्हें मैं एक सैनिटाइजर देता हूँ। तुम इससे जिस पर भी छिड़काओगी वो सच बोल पड़ेगा। अभी टीचर्स डे आने वाला है, मैं इससे बच्चों के मन की बात जान सकूंगी और उन्हें एक बेहतर स्टूडेंट बना दूंगी। ठीक है बेटी। अगले दिन फिर पीलू स्कूल जाती है और क्लासरूम में आती है। बंटी, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया है? ओ ना मैडम जी, टीचर्स डे की तैयारी कर रहा था तो टाइम कैसे निकला पता ही नहीं चला। पीलू उस पर साधु का दिया हुआ सैनिटाइजर छिड़का देती है और वो सच बोलने लगता है। मैडम जी, मैं सो रहा था, मोबाइल में गेम खेल रहा था, होमवर्क करने का मन नहीं था और टीचर्स डे कब है मुझे पता ही नहीं। अब बोले ना असली बात। बंटी को पनिशमेंट मिलती है। कालू ये सब देखकर सोचता है, मैं ये सैनिटाइजर चुरा लूंगा। कालू पीलू के बैग से चुपचाप सैनिटाइजर चुरा लेता है, फिर वो मजे लेने लगता है। वाह भाई साहब, आपके बेटे को तो बहुत अच्छी नौकरी लगी है। कालू उस पर सैनिटाइजर छिड़का देता है। मेरा बेटा आपके बेटे से ज्यादा टैलेंटेड है, आपका बेटा रिश्वत देकर नौकरी में लगा है। अरे क्या बकवास कर रही है। और कालू हंसता है। शाम में कालू पीलू और उसके पति जाबाज के घर के पास जाते हैं। क्यों जाबाज जी, आज भी आप घर लेट आए हो, कहाँ थे? वह एक दोस्त से मिलने अस्पताल गया था। कालू उस पर सैनिटाइजर छिड़का देता है। अरे मैं कोई अस्पताल नहीं गया था, तुम टीचर हो ना तो तुम्हारी डांट से डर लगता है तो थोड़ा झूठ बोल दिया, मैं तो बार में गया था। हाँ, अभी मजा चकाती हूँ तुमको। जाबाज की झाड़ू से पिटाई हो जाती है, ये देखकर कालू बहुत ही खुश होता है। तभी पीलू उससे सैनिटाइजर छीन लेती है और कालू को डांट लगती है। कालू, ये तुम स्टूडेंट्स के भले के लिए था, तुम्हारी मस्ती के लिए नहीं। अब तुम टीचर्स डे में 5 ऐसे लिख कर लाओगे, अगर कोई बहाना बनाए
तो याद रखना मेरे पास ये सच उगलने वाला सैनिटाइजर है। जी जी मैडम। ये सुनकर कालू वहाँ से भाग गया। अरे पीलू, ये साधु का दिया सैनिटाइजर इतना असरदार है, ये तुम इससे कड़क की मदद क्यों नहीं करती? सुना है वो एक बहुत बड़े चोर को पकड़कर लाया है, लेकिन वो पैसा कहाँ छुपाया है ये नहीं बता रहा है। मेरा भाई इंस्पेक्टर कड़क की भी मैं इसी सैनिटाइजर से मदद करती हूँ। फिर पीलू कड़क के पास पुलिस स्टेशन जाती है। कड़क भाई, ये सैनिटाइजर लो और इस चोर पर छिड़का दो। पीलू के कहने पर कड़क वैसा ही करता है और चोर पूरा सच उगल देता है। फिर सभी बच्चे पीलू को टीचर्स डे पर बहुत सम्मान देते हैं। कालू उस पर 5 ऐसे पूरी ईमानदारी से लिख कर लाता है और सरकार भी पीलू को टीचर्स डे के दिन चोर से पैसा निकलवाने के लिए इनाम देती है। इस तरह से पीलू एक अच्छी टीचर होकर सभी स्टूडेंट्स का जीवन सुधारने में कामयाब होती है।